चूचा हनी भोली और लाली की मस्ती के साथ एक बार फिर से ऋचा चड्ढा, वरुण शर्मा, पुलकित सम्राट और पंकज त्रिपाठी सिनेमाघरों में लोगों को हंसाने के लिए लौट आए हैं। 28 सितंबर को थिएटर में दस्तक देने वाली फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कंगना रनौत की चंद्रमुखी 2 और विवेक अग्निहोत्री की द वैक्सीन 4 के साथ टकराई है। पहले दिन 8 करोड़ के आसपास की ओपनिंग करने वाली वरुण ऋचा स्टारर इस फिल्म ने रविवार को बॉक्स ऑफिस पर इतने नोट छापे कि जवान की हालत भी इसके सामने खराब हो गई। वरुण शर्मा, ऋचा चड्ढा और पुलकित सम्राट स्टारर ये फिल्म लोगों के दिलों पे अपनी जगह बनाने में सफल रही। जवान और गदर 2 की जंग के बीच इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर अपनी धाक जमा दी है। फुकरे 3 ने बॉक्स ऑफिस पर जितने आंकड़ों से ओपनिंग की थी, संडे को उससे 2 गुना ज्यादा का कलेक्शन किया है। सिग्नल कॉमन की रिपोर्ट के मुताबिक फरहान अख्तर और रितेश सिद्धवानी के प्रोडक्शन में बनी फुकरे 3 ने रविवार को सिंगल डे पर करीबन 16 करोड़ 35 लाख का बिजनेस किया, जबकि इस फिल्म के मुकाबले शाहरुख खान की जवान रविवार को महज 8 करोड़ का बिजनेस ही कर पाई थी। फुकरे 3 ने इंडिया में 4 दिनों के अंदर 44 करोड़ 65 लाख का बिजनेस कर लिया है। सनी देओल की गदर 2 की तरह ही पंकज त्रिपाठी, मनजोत सिंह और पुलाली स्टारे फिल्म वर्ल्ड वाइड के मुकाबले इंडिया में ज्यादा अच्छा बिजनेस कर रही है। इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 4 दिनों में टोटल 36 करोड़ 5 लाख की कमाई की है। ओवरसीज फुकरे 3 महज 3 करोड़ की कमाई कर पाई है। आपको बता दें, फुकरे 3 का निर्देशन मृगदीप लांबा ने किया है, जो इससे पहले इसके 2 सफल पार्ट भी बना चुके हैं। ऐसे में यही माना जा रहा है कि ये मूवी काफी ज्यादा व्यूवर्स को पसंद आने वाली है, क्योंकि ऑडियंस का एक बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस फुकरे को लेकर स्टार्टिंग से ही था। फुकरे पार्ट 1 हो चाहे फुकरे पार्ट 2 हो, उतनी ही ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ व्यूवर्स फुकरे पार्ट 3 को देखने जा रहे हैं और इसकी स्टोरी लाइन को भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। बल्कि आपने भी फुकरे 3 देख ली है या फिर प्लान कर रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बट टिल देन, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।